ओके तो मोटोरोला ने एक मोटोरोला टैब G62 एक नया टैब लॉन्च किया है। फीचर्स काफ़ी कमाल के मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छे फीचर्स लेकर के आता है वाला टैबलेट। बाकी नोकिया टैब T20 यहाँ पे कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, इसमें भी हमको फीचर्स तो काफ़ी कमाल के मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा टैबलेट यहाँ पे सही रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो कलर्स के ऑप्शन है वो तो आपको दोनों टाइम में सिंगल ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप लुक एंड डिज़ाइन पर अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पे जो फ्रंट का जो लुक एंड डिज़ाइन है इसमें बेजल्स काफ़ी कम है, जो कि एक टैबलेट के हिसाब से काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे जो टैबलेट की बिल्ड है वो भी काफ़ी प्रीमियम साइट पे मिल जाती है। मोटोरोला में हमको जो कंप्लीट बैग जो है वो हमको प्लास्टिक और मेटेलिक का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और नोकिया में आपको कंप्लीट यहाँ पे मेटेलिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। फ्रेम्स भी आपको दोनों ही टैबलेट में यहाँ पे मेटेलिक के देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर है वो भी यहाँ पे काफ़ी कमाल का मिल जाता है। ये दोनों ही टैबलेट्स काफ़ी पतले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से भारी होंगे क्योंकि आपको जो वेट है वो आपको 465 ग्राम का देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो इन द बॉक्स कंटेंट है वो आपको मोटोरोला में 20 वाट का यहाँ पे एक सुपर फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स में मिल जाता है। बाकी नोकिया में आपको सिर्फ सिर्फ 10 वाट का एक नॉर्मल सा चार्जर मिलता है, लेकिन जो टैबलेट जो है वो 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो नोकिया भाई साहब को भी यहाँ पे 15 वाट का चार्जर देना चाहिए था इन द बॉक्स में ही। इसके बाद जो बैटरी का सेटअप है वो मोटोरोला में हमको 7700 mAh की मिल जाती है, और नोकिया में हमको और भी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, 8200 mAh की मिल जाती है। कैमरे का सेटअप मुझे एक टैबलेट के हिसाब से मुझे काफी सही लगा, 8 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मेन कैमरा मिल जाता है। बाकी आपको कोई यहाँ पे सेकेंडरी या तो यहाँ पे टर्टियरी लेंस नहीं है, और यहाँ पे जो वीडियो शूट करने का जो ऑप्शन है वो आपको मैक्स फुल एचडी तक ही देखने को मिलेगा। बाकी सेल्फी आपको मोटोरोला में काफी अच्छी मिल जाती है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, नोकिया में आपको सिर्फ सिर्फ 5 मेगापिक्सल की ही मिलती है। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे वीडियो शूट करने का रेजोल्यूशन आपको सिर्फ सिर्फ फुल एचडी तक ही मिलता है। डिस्प्ले मुझे डिसेंट सा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, हालांकि आपको डिस्प्ले तो काफी बड़े मिल जाते हैं। मोटोरोला में आपको 10.6 इंचेस का मिल जाएगा, और नोकिया में आपको यहाँ पे 10.4 इंचेस का मिल जाता है। दोनों 2K हैं, IPS है, तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज तो काफी सही है। और लेकिन यहाँ पे दोनों ही टैबलेट्स में आपको यहाँ पे हाईर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं मिलता, 60Hz का एक नॉर्मल सा ही मिलता है, और जो ब्राइटनेस है वो भी आपको यहाँ पे 400 nits के आसपास ही मिलती है। तो यहाँ पे आउटडोर जो विजिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं रहने वाली, ये दोनों ही डिस्प्ले यहाँ पे थोड़े से डुल से रहने वाले हैं। इसके बाद जो यहाँ पे चिपसेट है वो मोटोरोला ने यहाँ पे काम काफी सही किया, आपको इसमें स्नैपड्रैगन 680 मिल जाती है जो कि 6 nm पे बेस है। नोकिया में आपको यहाँ पे यूनि एसोसिएशन की तरफ से आने वाली टाइगर T610 मिल जाती है जो कि 12 nm पे बेस है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे नैनोमीटर जितने कम होते हैं हमको बैटरी का बैकअप उतना ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे आंतुतु स्कोर है वो भी यहाँ पे मोटोरोला में हमको काफ़ी सही मिल जाते हैं, हमको 2,80,000 के आसपास मिल जाएंगे। नोकिया में हमको यहाँ पे कुछ 1,70,000 के आसपास मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे मोटोरोला काफ़ी सही निकाल के देगा। सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे काफ़ी कमाल के मिल जाते हैं, दोनों ही फोन में आपको यहाँ पे कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो आपको दोनों में यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, लेकिन फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर कुछ और बड़े फीचर्स की बात करें तो आपको 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट आपको दोनों ही टैबलेट्स में देखने को मिल जाता है, 5G नहीं है। बाकी यहाँ पे मोटोरोला ने स्पीकर को लेकर भी काफ़ी सही काम किया, आपको इसमें 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, नोकिया में आपको सिर्फ सिर्फ 2 ही मिलते हैं, हालांकि ये भी ठीक ही है। बाकी जो सिम्ट रहे वो आपको दोनों में 2 स्लॉट मिलते हैं, तो आप इसमें SD कार्ड भी लगा पाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे वेरियंट और रेट की बात करें तो यहाँ पे मोटोरोला वाला टैबलेट एक ही वेरियंट में लॉन्च किया गया, नोकिया वाला टैबलेट यहाँ पे 2 वेरियंट में लॉन्च किया गया है। तो अगर यहाँ पे पूरे वीडियो को समाप्त किया जाए तो यहाँ पे मोटोरोला वाला जो टैब है वो यहाँ पे काफ़ी एक सही डील लेकर के आता है, जैसे कि जो हमको इसमें चिपसेट मिल रही है आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो स्पीकर है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, ये सभी कुछ आपको इसमें काफी कमाल का मिल जाता है। नोकिया की तरफ आप लोग तभी जाएगा जब आपको यहाँ पे नोकिया की ब्रांडिंग चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इसमें बैटरी का सेटअप काफी ज्यादा मिल जाता है, लेकिन वो बैटरी थोड़ी सी कमी वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन यही है कि यहाँ पे 12 nm वाला प्रोसेसर है, और मोटोरोला में यहाँ पे बैटरी का सेटअप तो थोड़ा सा कमी है, लेकिन यहाँ पे 6 nm वाला यहाँ पे प्रोसेसर है, तो यहाँ पे बैटरी का बैकअप तो आपको यहाँ पे काफी कमाल का मिल जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे योग इन दोनों टैबलेट का कंप्लीट के लिए कंपनी रिव्यू। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।